सोनाली फोगाट मामले को गोवा सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंपने के फैसले के बाद सोनाली फोगाट का पूरा परिवार ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है। परिवार ने उम्मीद जाहिर की है कि सीबीआई अब सोनाली फोगाट के असल गुनहगारों को सामने लेकर आएगी। हिसार में सोनाली फोगाट के पूरे परिवार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले को गोवा सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंपे जाने के फैसले के बाद अब सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से संतोष यहां पर जाहिर किया जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग लगातार परिवार की तरफ से सामने रखी जा रही थी। इसके अलावा खापों की तरफ से भी इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग सरकार के सामने रखी गई थी। परिवार के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुकेश, मुझे बताइए कि सीबीआई जांच की मांग लगातार परिवार की तरफ से सामने रखी जा रही थी, कल खापों ने भी वही आवाज उठाने का काम किया, अब चूंकि ये फैसला लिया जा चुका है कि सीबीआई को ये पूरा केस दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? हम तो अब सीबीआई की जांच जैसे शुरू होगी तो हम तो इसमें यही देखते हैं कि अब सब कुछ ना खुल के सामने आ जाएगा, तो जो भी इसके पीछे है, जो गुनहगार है, उनको सजा मिलेगी और बस यही। सोनाली फोगाट के जेठ भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अमन पुनिया। अमन, मुझे ये बताइए कि लगातार आप संघर्ष इस बात के लिए कर रहे थे कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए, अब चूंकि ये मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है, कैसे देख रहे हैं? देखो, सीबीआई को सौंपा गया है तो जो सुधीर सांगवान के पीछे बैठे हैं, जिन्होंने ये क्राइम करवाया उसके थ्रू, उनका नाम क्लियर आ जाएगा। और सोनाली फोगाट के जेठ भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, कुलदीप फोगाट। कुलदीप जी, लगातार आप ये संघर्ष कर रहे थे कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए, अब क्या संतुष्टि यहाँ पर जाहिर करेंगे कि चूंकि गोवा सरकार की तरफ से ये मामला अब सीबीआई को दिया जा रहा है? मैं तो शुरू से ये कह रहा था जी, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मर्डर है, हार्ट अटैक नहीं है, और अब संतुष्टि मिली है हमारे को, सीबीआई को जांच दी है, जब अब उससे सख्ताई से निपटा जाएगा, अब सब कुछ बक देगा, वो तथ्य जो हैं छुप रहे हैं वो सामने आ जाएंगे सीबीआई इंक्वायरी होने से। लगातार आप लोग ये भी जाहिर कर रहे थे कि बीजेपी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पाई, जो गोवा की सरकार से उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो पा रहा था, जो हरियाणा की बीजेपी सरकार से मदद की उम्मीद थी वो नहीं हो पा रहा था, अब चूंकि ये फैसला किया जा चुका है कि मामला सीबीआई को जा रहा है, क्या आपके नजरिए में कोई परिवर्तन? हाँ, ये खब हो गई, ये पंचायत हुई थी कल, उसका भी असर पड़ा है, और बाकी सारे खब हो गई पंचायत होने के बाद, सब बीजेपी के नेता भी खुल के आए हैं सामने, कल ये रणधीर पनियार जी हैं, इन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात करी थी, और ये कुलदीप बिश्नोई ने भी बात की थी, मैं साथी था इनके जब बात की थी इन्होंने, वो उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री से बात की थी मनोहर लाल खट्टर जी ने, भाई ये विद्रोह होएगा हरियाणा के अंदर, बोला सीबीआई इंक्वायरी सौंपनी चाहिए, बोला फिर उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया ये केस, अब हम संतुष्ट हैं, भाई अब तथ्य आगे आ जाएंगे, सुधीर को सख्ताई से लेगी सीबीआई, जो इसके पीछे है वो, हम तो यही चाहते थे इसके पीछे जो है वो सामने आना चाहिए, और वो अब वो खुल के सामने आ जाएगा। जिस सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा भी इस वक्त हमारे साथ बनी है। यशोधरा, लगातार आप सीबीआई जांच की मांग सरकार के सामने रख रही थी, वो मांग अब मान ली गई? मांग ली गई है, और मैं हरियाणा के सीएम, दिल्ली, पंजाब और गोवा के सीएम को धन्यवाद कहना चाहूंगी, और जो खाप पंचायत बैठी थी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और एसपी के पास गए मेरी सुरक्षा के लिए, उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। चलिए, बेटी यशोधरा की तरफ से भी अब संतुष्टि यहाँ पर जाहिर की जा रही है, मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है और सुरक्षा भी अब यशोधरा के लिए मुहैया करवा दी गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।